प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र में ऐसी सरकार है जो देश की सीमाओं के एक इंच जमीन के मुद्दों पर भी समझौता नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि कच्छ से सायर क्रीक पर हमला करने के लिए पहले भी दुश्मन देशों ने साजिश रची थी, जिसे उस समय सीमा पर तैनात सैनिकों ने नाकाम कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान अब कच्छ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि यह मुत्साद सैनिक रक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय जनता इस देश को सुरक्षित मानती है और यह सब सैनिकों की वजह से संभव है। उन्होंने कहा कि अतीत में इस क्षेत्र को रणभूमि में बदलने के प्रयास हुए थे और लंबे समय से दुश्मनों की नजर इस पर थी, लेकिन सैनिकों की रक्षा के कारण वे असफल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की रक्षा में भारतीय सैनिकों के हर संकल्प और साहस की प्रशंसा की और स्पष्ट किया कि उनकी सरकार देश की सीमाओं पर एक इंच भी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने दिवाली का त्योहार सैनिकों के साथ मनाने की परंपरा जो जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर कच्छ के सायर क्रीक क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल, सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे। सेना की वर्दी में आए मोदी ने सायर क्रीक क्षेत्र में स्थित लकी नाला में नौका यात्रा की और फिर बीएसएफ सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के साथ मिलकर दिवाली मनाई। उन्होंने खुद सैनिकों को मिठाई खिलाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से स्पष्ट किया कि देश में जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन और समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और कोई इसे रोक नहीं सकता। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार सभी के लिए योजनाएं बिना किसी भेदभाव के लागू कर रही है और यदि पात्रता है तो केंद्र की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149 ईयर्स जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लिया और इससे पहले केवड़िया में आयोजित एकता परेड में भी भाग लिया है। मोदी ने इस मौके पर कहा कि हम अब वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा और विकसित भारत के सपने को हासिल करने में सहायक होगा। समान नागरिक संहिता भी लागू होकर रहेगी। हालांकि देश में इसे रोकने के लिए कुछ नई नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। वे देश में अराजकता पैदा करने और विश्व स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के प्रयास कर रही है। उनका लक्ष्य सशस्त्र बलों में अलगाववाद को बढ़ावा देना है और जाति, धर्म तथा वर्ग के नाम पर देश को विभाजित करना है। मोदी ने कहा कि उनका लक्ष्य देश का विकास नहीं है।